बीते दिन थिएटर्स में रिलीज होते ही फिल्म एनिमल ने लोगों के दिलों पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के पहले दिन से ही ताबड़तोड़ कमाई करने में लग गई है। जहां एक तरफ फैंस रणबीर कपूर के एक्शन रोल के कायल हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म में बॉबी देओल का रोल भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। दर्शकों पर एनिमल फीवर इस कदर छाने लगा है कि अब फैंस इस फिल्म को लेकर बड़े बड़े दावे तक करने लग गए हैं। पिक्चर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, और रही बात के जैसा रोल करा इन्होंने, मतलब सीन जो सीक्वेंस बनाया है ना, वो लेवल खत्म, मतलब ऐसा होना चाहिए। ये मेरे को लग रहा है KGF और जितनी भी अदर पिक्चर हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ देगी। किसका रोल अच्छा लगा आपको? मेरे को दोनों का बढ़िया लगा, रणवीर का भी और बॉबी देओल का भी। और लगा लो, लेकिन बॉबी देओल का बुढ़ापा दिख रहा है, पर उसमें बॉडी उसे थोड़ी और बनानी चाहिए। रणवीर कपूर का ऑब्वियसली बहुत अच्छा रोल था इसका, बहुत अच्छी मूवी बनी है, बहुत अच्छी लगी देखने में। गाने ठीक है, देखने में सही है, पिक्चराइजेशन अच्छा है, मूवी अच्छी है, कोई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ब्लॉकबस्टर है। रणबीर कपूर पिक्चर बहुत अच्छी है, सुपर हिट है, रणबीर कपूर की बहुत अच्छी एक्टिंग है, और आने वाले कुछ समय में इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। अगर बात करें गाने की तो कैसा गाने? गाने इसमें बहुत कम है, गाने कोई इतने ज़्यादा नहीं है, एक दो गाने ही है इसमें। काफ़ी वायलेंस है मूवी में, तो क्या बोलूँ मैं। नहीं, गाने तो नॉर्मल ही हैं, गानों में ऐसा इतना कुछ खास नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा ही लेवल पे चली गई मूवी।